फ्रेंड्स, आर्ट्स किचन में आपका स्वागत है। और आज मैं ऐसा डिश आपके सामने लाई हूँ जो कि स्वादिष्ट तो है ही, उसके साथ साथ हेल्दी भी है। तो आज मैं कच्चे हल्दी से आपको इसका हलवा बनाना बताऊंगी, जो कि आपके शरीर के लिए फुर्ती और तंदुरुस्ती के लिए बहुत ही कारगर है। और हल्दी के बारे में तो आप जानते ही हैं कि गुणों का खान है। और सर्दी का मौसम भी चल रहा है, तो सर्दी के मौसम में सर्दी, जुकाम, बदन दर्द, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें फेस करना होता है। अगर आप इसको खाएंगे तो इसके खाने से आपको सर्दी, जुकाम और बदन दर्द से तो राहत होगा ही, बाद बाकी शरीर में जितने भी प्रॉब्लम है उन सब से भी आपको छुटकारा मिलेगा। तो जिसको के लिए मैं यहाँ 250 ग्राम हल्दी ले ली हूँ, इसको छील के वॉश कर ली हूँ, और उसके बाद मैं इसको ग्राइंडर में पीस कर इसका पेस्ट रेडी करूंगी। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे पेस्ट रेडी कर ली हूँ। यहाँ 250 ग्राम हल्दी का पेस्ट है और यहाँ 250 ग्राम गुड़ ली हूँ मैं। गुड़ मैं जो ली हूँ वो गीला गुड़ है, आप सूखा या ढेला जो भी हो आपके पास अवेलेबल वो ले सकते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना, कैसे बनाते हैं। यहाँ पे मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, कढ़ाई मेरा गर्म हो गया है, मैंने गैस को ऑन कर लिया है और इसमें मैं घी डाल रही हूँ। ये हल्दी का जो हलवा है वो घी में ही बनाए। घी में बनाने से क्या होगा कि आपका च्यवनप्राश से भी ज़्यादा कारगर होगा। तो ये देखिए, मेरा घी गर्म हो गया है, इसमें मैं इसको डाल रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, हमारा हल्दी भुन गया है। इसी के साथ मैं इसमें गुड़ ऐड करूंगी और इसको भी भूनूंगी कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए। और इसी के साथ मैं इसमें मैं ड्राई फ्रूट ली हूँ, जिसको डालूंगी तो साथ साथ ये भी भुन आएगा और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद है उसको आप डाल सकते हैं इसमें, और 5 से 7 मिनट के लिए इसको और भुने। तो ये देखिए फ्रेंड, हमारा हलवा रेडी हो गया है और किस तरह से घी डिस्चार्ज कर दिया है, इसका मतलब है कि ये बहुत अच्छे से पक गया है। तो बहुत लोग हल्दी, कच्चा हल्दी खाना पसंद नहीं करते हैं या पाउडर खाना पसंद नहीं करते हैं। अगर इस तरह से इसका हलवा बना के खाएंगे तो यकीन मानिए फ्रेंड, आप सारा हलवा भूल जाएंगे खाना, बस इसी को बना के खाना पसंद करेंगे। तो अगर मेरा रेसिपी पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि मेरा हलवा कैसा लगा है। थैंक यू।